नमस्कार, मैं शारदा सिंह और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर, आइए नजर डालते हैं आज। भारतीय किसान यूनियन तोमर की एक सभा इदरीशपुर बागपत में संपन्न हुई, जहां पहुंचे भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार द्वारा किसानों को फसलों के सही दाम नहीं दिए जा रहे। बिजली की दरें बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है। चुनाव के दौर में भाजपा सरकार ने वादा किया था कि किसानों को ट्यूबवेल की बिजली मुफ्त में दी जाएगी और घरेलू बिजली पर 50% की छूट दी जाएगी, मगर सरकार द्वारा इस तरह का कोई भी काम नहीं किया गया और रही सही कसर किसानों के ट्यूबवेल पर मीटर लगाकर कर दी गई है, जिसको लेकर प्रदेश के किसानों में काफी रोष व्याप्त है। वहीं चौधरी संजीव तोमर ने कहा कि किसानों को गन्ने का भाव कम से कम 450 रुपए प्रति क्विंटल मिलना चाहिए। वहीं सभा के बाद चौधरी संजीव तोमर ने कृष्णपाल पवार को ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया। गन्ने के पेमेंट की समस्या है जी किसानों को बिजली की समस्या हो रही है, तो किसानों के मीटर लगाए जा रहे, पर्ची नहीं आ रही, नेट कम आ रहा, गन्ने की बहुत समस्या हो रही किसानों की। यहाँ एक इच्छा थी, जागरूक थे लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उनकी सभा कराने के लिए, फिर हमारे दरोगा जी कृष्णपाल जी को हमने अपने संगठन में जोड़ा। क्या पद दिया आपने इनको? इनको हमने बिनोली ब्लॉक अध्यक्ष का पद दिया। क्या रहे, क्या कार्यशैली आपकी और इनकी क्या रहेगी? अब हमारी आपका संगठन तो मजबूत हो गया, अभी मजबूत हो गया, आपको ब्लॉक अध्यक्ष मिल गया, तो आप दोनों मिलके इस क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, क्या कार्यशैली रहेगी आपकी? किसान मजदूर की लड़ाई लड़ेंगे जी, किसान मजदूर के साथ देंगे, न्याय दिलाएंगे, किसी को शोषण नहीं होने देंगे, किसी को दबाया नहीं जाएगा। अनेक किसान संगठन है, जैसे कि अंबावता हो गया, किसान यूनियन हो गया, टिकैत जी का। हाँ जी, बहुत है जी, बहुत संगठन है, 5-7 बहुत संगठन है। सबसे अलग संगठन है जी किसान यूनियन तोमर का। तो उसी तरह चलेंगे आगे, आपकी कार्यशैली अलग है? नहीं, भारतीय किसान यूनियन तोमर की अलग है जी, यहाँ किसी को बहकाया नहीं जाता, किसी को धमकाया नहीं जाता, सम्मानित वो है जी यहाँ सबका। ये तो जी यहाँ पे लोगों की इच्छा थी भारतीय किसान यूनियन तोमर से जुड़ने की। तोमर गुट के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं लोगों को, और इनकी इच्छा थी कि एक बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ पर बुलवाओ, उनकी सभा कराओ, क्योंकि यही एक ऐसे अध्यक्ष हैं, वैसे तो कई सब वो क्या नाम इसका गुट हैं संगठन के, किसान यूनियन के, लेकिन इनके यहाँ पर न्याय होता है और आम आदमी गरीब आदमी के लिए ये 24 घंटे तैयार रहते हैं उनकी मदद करने के लिए। तो आपको क्या नियुक्ति मिली इसमें? मुझे इन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष का पद दिया है। कौन सा ब्लॉक अध्यक्ष का पद है? बिनोली ब्लॉक अध्यक्ष, जिला बागपत। तो आपकी क्या कार्यशैली रहेगी, क्या प्रक्रिया रहेगी इसमें आपकी? कार्यशैली मेरी ये है कि मैं तो अध्यक्ष जी के पद चिन्हों पर चलूंगा, जैसे इनके निर्देश होंगे, उसके अलावा मैं पूरे संगठन को अपना परिवार मानकर चलूंगा। जैसे परिवार में आदमी डिसिप्लिन में रहता है, अनुशासन में रहता है, सबका बड़ों का ध्यान रखता है, बड़ों की तरह छोटों को रखता है, बच्चों की तरह, तो उसी तरीके से मैं अपने स्तर से जो भी मेरे लायक कोई बात होगी, जो मेरे सामने समस्या आएगी, उसको मैं अपना पूर्ण प्रयास से हल करने की और अध्यक्ष जी से कराने की कोशिश। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।